आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है, किसान घरेलू जरूरतों से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। इस बार मार्च के महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। वहीं खुले बाजार में अधिक रेट होने की वजह से सरकारी खरीद लक्ष्य के मुताबिक नहीं हो पाई। व्यापारियों ने निर्यात के लिए गेहूं की जमकर खरीद की है, हालांकि बाद में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया। कम उत्पादन और खरीद को देखते हुए संसद में सरकार से यह सवाल पूछा गया था कि क्या देश में गेहूं की कमी है। इसे जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्यात पर रोक के बाद भी गेहूं की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में कहा कि देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है। वहीं तोमर ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू जरूरत से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तोमर ने कहा कि तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 10.64 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 5 वर्षों के दौरान गेहूं के औसत उत्पादन अर्थात 10.38 करोड़ टन से अधिक है। उन्होंने कहा, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंध करने और पड़ोसी एवं कमजोर देशों की जरूरतों में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया। वहीं गेहूं के निर्यात पर रोक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद उन्हें अच्छा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी इसकी घरेलू कीमतें MSP से ऊपर चल रही हैं। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने, पड़ोसी और कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने इस साल 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और उनकी सरकारों के पर्याप्त अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।